किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुड़ जुड़म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुड़ जुड़म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जोड़ जुड़म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोड़ जुड़म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम बनाया हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। हम बनाया हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। देश की धरती एक किसान, जय जवान जय किसान। देश की धरती एक किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे साथ हैं जय किसान आंदोलन के नेता संजय कुमार जी। तो संजय कुमार जी, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय क्यों आए हैं? यहाँ पर कुछ शिकायतें पिछले कई सालों से जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है विचाराधीन पड़ी हैं जी। तो उसका रिमाइंडर हमने 14/12/2021 को यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को दिया था। कौन कौन सी शिकायतें थी वो? उसमें एक तो सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार का मामला है, एक न्यायालय के आदेश के अनुपालन का मामला है जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो अनियमितताएं हैं उनका मामला है, और बहादुरपुर ब्लॉक में बनराजा परिवार के कुछ रहते हैं जी, जिनके पास न राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, न वोटर आईडी कार्ड है, वो मूलभूत जीवन की सुविधाओं से वंचित हैं जी। इस राजापुर हलीम तिलोई विकासखंड तिलोई में आवास आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला है जी, पैसे के गमन का है जी। और इसी तरह खंड विकास कार्यालय बहादुरपुर में मनरेगा जो है जी, उसमें मुबारकपुर मुखतिया में उन लोगों का मामला है जिन्होंने काम नहीं किया और पैसा उनके खाते में भेजा गया जी। ये पुरानी शिकायतें हैं जी, और जिन पे अभी तक इस कार्यालय पे मैंने कई बार पता किया तो अधिकारी यही नहीं बता पा रहे कि हमने आगे कहाँ फॉरवर्ड किया है। दूसरा ये है कि पुलिस अधिकारियों की यहाँ अमेठी में बहुत ही अराजकता है। ये महिला बैठी हुई है जी, और इस महिला ने 2017 में पुलिस को और जिलाधिकारी को शिकायत की जी, कि विपक्षी जो है इनका घर का पानी नहीं निकलने दे रहा है, पानी रोके है। वो नाली का मामला था और पुलिस ने दूसरी पार्टी से मिलके उस एक कुआं था सामूहिक जो, उसको पटवा दिया जी। ये बेचारी मांग करती रही कि हमारा कुआं पाटा जा रहा, कुआं पाटा जा रहा, तो पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई कि नाली का समाधान कर दिया गया और उसी बीच दूसरी पार्टी ने पुलिस से मिलकर कुआं पाट लिया और इनके ससुर जिंदा थे जी। ये सुलहनामे पे दस्तखत नहीं कर रही थी, तो इनके ससुर को जंग बहादुर सिंह उप निरीक्षक थे इसी गौरीगंज थाने में जी, उन्होंने बुलाया और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने उनके कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा के सुलहनामे पे दस्तखत करा दिए जी। अब पुलिस से संरक्षित जो दूसरे लोग हैं उनका इतना हौसला बढ़ गया है कि देखिए, एक सामूहिक पूजा स्थल है इनका पारिवारिक जी, अब वो उस पर निर्माण करना चाह रहा है। अच्छा, तो उस पर जो निर्माण करना चाह रहा है तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं जी। पुलिस इनके ऊपर ही दबाव बनाता है। अब इनको हर महीने ये देखिए 10-10 नोटिस भेजी जाती है जी। इनके घर में इनका जीना मुहाल हो गया है और पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हो गया, 2018 से कंटिन्यू जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया जा रहा है जी, कि आप जो है, जबकि यहाँ पर देखिए पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की ये रिपोर्ट है और पुलिस ने स्वीकार किया है कि इनका कुआं पाट लिया गया है जी, कुआं को पाट दिया गया है। अब जब पुलिस ये बता रही कुएं को पाट दिया गया है जी, तो सार्वजनिक कुआं को पाटने वाला जो अपराधी है उसके खिलाफ जी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना जिलाधिकारी कार्यालय कर रहा, ना उप जिलाधिकारी कार्यालय कर रहा, ना पुलिस। यही कारण है कि वो जिस व्यक्ति ने पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के बाद कुआं को पाट लिया जी, अब सार्वजनिक जो पूजा स्थल है उस पर भी मकान का निर्माण करवाने जा रहा है।
तो वो कुआं जो उसने पाट लिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो कुआं वैसे ही पटा है। और बराबर लगभग 2018 से, लगभग नहीं 2018 से जिला अधिकारी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को ये चिट्ठी दी गई है, जंग बहादुर उप निरीक्षक थाना गौरीगंज, ये चिट्ठी 14/12/2021 की जी। इसके पहले IGRS पे शिकायतों का भरमार है और कोई भी उच्च अधिकारी फाल्स जो रिपोर्ट होती है, जो गलत आख्या होती है, उस पर आंख बंद करके डिस्पोजल कर देता है। इसी तरह से एक थाना जामो का मामला है जी। थाना जामो का मामला है, एक आदमी 7-8 साल पहले लापता हो गया, उसका चचेरा भाई उसकी गुमशुदगी दर्ज कराना चाह रहा है जी। 2 साल से थाना जामो के चक्कर लगा रहा है, SDM वो पुलिस अधीक्षक के पास गया, DM साहब के पास गया, और पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद भी 2 साल में उसकी गुमशुदगी नहीं दर्ज हुई। ये देखिए जी, अभी ये 22/12/2021 को ये आदमी पुलिस अधीक्षक को मिल के चिट्ठी दे के आया जी जी, लेकिन आज तक उसकी गुमशुदगी नहीं दर्ज हुई। इस और इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का हनन भी अमेठी में किया जा रहा है। ये तीन इस तरह की शिकायतें पुलिस से संबंधित, इसके बारे में आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं जी, कि पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी स्वेच्छाचारिता पर एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करके और इसका निष्पक्ष जांच कराएं जी। और अमेठी में कानून और शांति व्यवस्था जिससे स्थापित हो सके, नहीं पुलिस की अराजकता से यहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब दूसरा मामला ये है, यहाँ पर ये बैठी हैं जी जी शाकिरा जी, जी जी जी, इनकी 2.25 बीघे की जमीन है। कहाँ है घर इनका? इनका घर विकासखंड बहादुरपुर ग्राम सभा बोझी भूलामो जी जी। इनकी 2.25 बीघा जमीन है, गाटा संख्या 412 और उसका रकबा जो है 0.341 है, 0.341 जी। उस पर इनकी गेहूं की फसल बोई है। अब देखिए भू प्रबंधन समिति बोझी भूलामो जी, ग्राम सभा वाली, ग्राम सभा की जो भू प्रबंधन समिति होती है जी, उस वो 12 दिसंबर को जाते हैं और नाप करते हैं जी। और नाप स्पॉट मेमो लेखपाल का दिया हुआ, ये देख लीजिए जी, जी। ना इसमें पूरब बताया जा रहा है, ना पश्चिम बताया, नजरी नक्शा नहीं है ये, नजरी नक्शा ना उत्तर ना दक्षिण, स्पॉट मेमो जी जी जी, स्पॉट मेमो। तो इसमें ये तो होता है ना, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, पूरब सीमांकन नहीं है सही है। हाँ, ये बिना सीमांकन के ये गांव के 10-15 लोगों ने दस्तखत कर दिए, ग्राम प्रधान ने और लेखपाल ने जी, और उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए ये कब्रिस्तान की जमीन है ठीक, और इस पे हम निर्माण कराएंगे, आप गोही है ना, अपना खेत ढूंढो जाके, ये लेखपाल कह के आए जी जी। इसकी शिकायत इन्होंने IGRS पे की जी। IGRS पे जब इन्होंने शिकायत की तो खंड विकास अधिकारी बहादुरपुर ने रिपोर्ट लगाई कि वहां पर 411 खाता संख्या में बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है। किस चीज की बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा था? खंड विकास अधिकारी ने यह नहीं लिखा कि किस चीज की बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा। अब इसमें एक और बहुत बड़ा फ्रॉड है जी, क्योंकि निजी एजेंसियां है ग्राम प्रधान की, ग्राम विकास अधिकारी की और खंड विकास अधिकारी की किसान से जी। तो इन्होंने क्या किया, एक साजिश के तहत अब 411 में ये जो स्पॉट मेमो है जी जी जी, ये लेखपाल लिख रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की जमीन ठीक है, कब्रिस्तान और मरघट शमशान दो जमीनें होती हैं, मरघट और शमशान जो है जी, वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होता है और कब्रिस्तान मुसलमान समुदाय के लिए होता है जी जी जी। अब इन्होंने हमें कार्ययोजना दी खंड विकास अधिकारी ने जी, ये कार्ययोजना है इनकी ठीक है, 2021-22 की कार्ययोजना है जी, ये प्रमाणित है, प्रमाणित है रेडियो पंचायत बहादुरपुर द्वारा जी जी। इसमें इन्होंने जो कार्य योजना दी है अंत्येष्ट स्थल का विकास, तो कब्रिस्तान में अंत्येष्ट स्थल कैसे बना रहे हैं? ये है अमेठी में अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता जी, कि वो उनका इतना नेक्सस भू प्रबंधन समिति में लेखपाल है जी, मतलब ब्लॉक के अधिकारी है जी और राजस्व विभाग के अधिकारी है जी, और वो मिल के बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए जी, जिसको चाह रहे हैं उसको बेदखल कर रहे हैं। तो इन गंभीर घटनाओं के विषय में आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, हमने पहले जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन भेजा है जी, अवगत है जी, और कोई कार्रवाई न होने के बाद आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं जी, कि आप
इस इन जो घटनाएं हैं इनकी आप निष्पक्ष जांच कराइए और आपके यहाँ जो विचाराधीन कागज पड़े हैं जी उन पर भी कार्रवाई कीजिए और हमको जवाब दीजिए। और एक महीने के अंदर अगर जिला अधिकारी अमेठी जी इस पर आवश्यक कार्रवाई करके हमें संतुष्ट नहीं कर देते हैं जी तो जिला मुख्यालय पर हम यहाँ पर कंटिन्यू तब तक धरना देंगे जब तक कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। जी धन्यवाद। 12वां महीना 10 तारीख को ये लेखपाल महोदय जाते हैं, ये स्पॉट मेमो बनाते हैं, ना इसकी चुमत्ती है ना सीमांकन है ना 8 8।